और फिर 40,000 डॉलर से लेकर 2.5 लाख डॉलर की इन्वेस्टमेंट में बाहर सोमाली के ऊपर पाकिस्तानी कवर कर रहे हैं अपनी नेचुरलिटीज, और वहां पे 3 साल और 4 साल के लिए टैक्स फ्री भी इन्होंने अलाउ किया हुआ है। अगर हमारे मुल्क ने अपनी पॉलिसी फौरी तौर पर अनाउंस नहीं किया और हमारे मुतालबात का फिर अमल नहीं किया तो मुल्क की मवेशियत पर दबाव हो रही है, आगे जाके इनके लिए और मुसीबतें हो जाएंगी। आप देख लें डॉक्टर्स को इस वक्त तनख्वाही नहीं मिल रही, उसको तनख्वाही नहीं मिल रही, फायर ब्रिगेड के फायर मैन जो है वो स्ट्राइक पे बैठे हुए, इनको 17 महीने से आधी तनख्वाह नहीं दी गई। तो आप कहाँ जा रहे हैं? मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हाजी नासिरतुल जनरल सेक्रेटरी कराची इलेक्ट्रॉन डीलर एसोसिएशन अपने मीडिया के भाइयों को खुश आमदेद कहता हूं और उनको ये बताना चाहता हूं कि देखिए हम तकरीबन 60 से 70% इनकम टैक्स पेयर हैं इस वक्त कराची के अंदर। जितने इलेक्ट्रॉनिक्स के काम करने वाले हैं सब इनकम टैक्स पेयर हैं। इनकम टैक्स पेयर ना होते तो कभी चैम्बर के मेम्बर ना होते, कभी हम कोई चीज़ इम्पोर्ट नहीं कर सकते थे, कहीं मुल्क बाहर मुल्क जाना आता है तो हम इनकम टैक्स चैम्बर का लेटर बताते हैं। मेरी गुजारिश है वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से और सदर आरिफ अलवी साहब से कि वो वज़ीर तिजारत रज़ाक दाऊद साहब, हफीज़ शेख साहब या शब्बर जैदी साहब, उनके साथ बैठकर एक टीम बनाए और हमारे जो लीडरान हैं कराची के, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक से हों, चाहे वो सोने के बाज़ार से हों या किसी भी ट्रेड से वाबस्ता हों, उनमें से किसी चंद लोगों को बुलाएं अपने साथ मीटिंग करें। आपको मैं ये बताना चाहूँ कि देखिए नीचे लेवल पर इस वक्त जो हालात हैं, एक छोटी इलेक्ट्रॉनिक दुकान का नाम मैं लेकर आपको बता रहा हूँ, गावा कन्वेंशन है, उसने 17 मुलाजिम अपने निकाल दिए जिसकी तनख्वाह 22 से 20 हज़ार है। अब अंदाज़ा लगाइए छोटी छोटी दुकान में जो लोग मुलाजमत कर रहे हैं वो फारिग हो गए, अब वो कहाँ जाएंगे? इस शहर के अंदर जो हालात हैं मीडिया बहुत अच्छी तरह जानती है, लेडीज़ के साथ, जेंट्स के साथ, ज़ईफ़ के साथ जो स्नेचिंग हो रही है, अब ये बच्चे क्या करेंगे? लिहाजा मैं मीडिया से गुजारिश करूँगा मेरे दोस्तों से कि इस बात को उजागर करें और हमारे जो लीडरान हैं उनको उन फेडरेशन के लोगों से मीटिंग कराएं। रज़ाक दाऊद साहब से मुलाकात हुई हमारी, हमारे सदर और नायब सदर वो शब्बर जैदी से 2 बार मिलकर आए, हर बार उन्होंने लाली पाक दे दी कि आज ये सारो आ रहा है, आज आ रहा है। इस बात को मैं रिपीट नहीं करता, वाकई 4 महीने हो गए, मैं नीचे की बात बता रहा हूँ। इस वक्त जो हालात हैं 20-20 दिन तक हो जाते हैं, बिस्मिल्लाह नहीं होती, वो कहते हैं शनाख्ती कार्ड की शर्त, एक एसी की कीमत 1.5 टन एसी की कीमत इस वक्त 65,000 रुपये। आप बताइए आप में से कोई दुकानदार या मेरा कोई दोस्त एसी खरीदने आएगा क्या आप मुझे शनाख्ती कार्ड देंगे? 65,000 रुपये का एसी है 1.5 टन का, फ्रिज लेने जाएं तो 52,000 रुपये का। लिहाजा ये छोटी छोटी बातें देखें, नीचे का पहिया चलेगा तो ऊपर तिजारत चलेगी। इस वक्त इमरान खान ने सब कुछ सारे जगह खोल दिए। मैं चाहूँगा हमारे नायब सदर सलीम अहमद कुछ हालात का इजहार करें, इसके बाद तीसरे लीडरान से भी करेंगे। अच्छा मैं सईद भाई हमारे सदर हैं वहाँ के हैदरी के, उनको भी खुश आमदीद कहता हूँ मैं। सलीम भाई के बाद फिर और जो रह गए बाकी लोग जो है खिताब करेंगे। जी सलीम अहमद हमारे वाइस चेयरमैन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया और हमारे बहुत सारे उहदेदार, बहुत सारे मार्केट के सदरू, अस्सलाम वालेकुम। ये तो परफेक्ट बात है कि हम लोग यहाँ कोई सियासी झमेला नहीं कर रहे हैं, टोटल कारोबारी लोग बैठे हुए हैं। मैं सलाम पेश करता हूँ इमरान खान को, उन्होंने वादे किए थे कि 1 करोड़ लोगों को मैं रोजगार दूंगा और 50 लाख घर बना के दूंगा। आज ताजिर बिरादरी इनको कंधे पे बिठा के लाई, पिछले दिनों जो चैम्बर के जो चेयरमैन है सराज तेली वो भी इनको कह रहे थे कि भाई हेरासमेंट नहीं करो, आप लोग जो है लोगों को ग्रास लेवल पे आकर इनके मसले हल करो। तो आज हम लोग जो है क्यों रोड पे आ रहे हैं और क्यों हड़तालें कर रहे हैं? कारोबारी आदमी तो पता है अपनी बीवी से भी ज्यादा बात नहीं करता है, बोलता है यार फोन रख ग्राह खड़ा हुआ है। तो आज हम लोग जो मार्केट दुकानें बंद कर रहे हैं, तो ये हुकूमत को सोचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं इनके साथ। हमारा कोई मसला नहीं, अगर हमारे को आज रिलीफ देते जो जो हमने कहा है, हमारे जो पुराने मोबाइल फोन है उनको जो है रिलीफ दे। देखो मैं आज आपको एक बात बताता हूँ टेक्निकल, 22 करोड़ हवा में और 7 करोड़ लोगों के पास स्मार्टफोन है, हमें 22 करोड़ स्मार्टफोन चाहिए अभी, क्यों उसकी जरूरत है। अगर कोई कपड़े वाला है या कोई प्लम्बर है कोई चीज है वो बोलता है भाई ये फोटो भेज दो
ये सामान खरीद लो, ये बिजनेस की एक जरूरत है इस वक्त। आज वो जो किट आती थी 3,000-4,000 में लोगों को मिल जाती थी, आज वो ओप्पो वीवो बहुत सारी कंपनी के मोबाइल 30,000-40,000-32,000-22,000। जो पब्लिक की परचेसिंग पावर नहीं है, जैसे सदर साहब ने कहा कि जो हमारे कंप्यूटर है उस पर भी जो है इन लोगों ने पुराने खाते खोल दिए, तो आप लोगों को कहां ले जा रहे हो? लोगों की जो जरूरत की चीज है उसको सस्ता करके दे और पब्लिक कारोबारी लोगों से मिले कि भाई लोगों को हम क्या प्रोवाइड करें। आप देखो ना, एक इंडिया के अंदर स्मार्टफोन 400 रुपए में ला के दे दिया, और हमारे मुल्क में जिनके पास है उनको बंद कर रहे हैं, बोलते इतने पैसे जमा करा, और वादा किया हमसे रजाक दाऊद ने और सफर जेदी ने, और वादा पूरा नहीं किया कि मैं खोल दूंगा। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, इसके लिए आज हम लोग बैठे हुए हैं और आज हम ऐलान कर रहे हैं कि हम हड़ताल करेंगे। और ये हड़ताल हमें कोई शौक नहीं है, मजबूरी है। अगर हम क्या अपने दुकानदारों को जवाब दें, क्योंकि मोबाइल की मार्केट तो बंद हो रही है और लिमिटेड हो रहा है कारोबार, तो इसके लिए हम बैठे हुए हड़ताल करेंगे इंशाल्लाह। जो लोगों ने फैसला दिया हम इनके साथ हैं, बहुत शुक्रिया। पानी यार, पानी ले आओ। सर बे कादरी साहब लियाकतबाद से, लियाकतबाद से कादरी साहब। सईद भाई को बुला लो। बात यह है, जो आदमी टैक्स देना चाहता है उसी के पीछे पड़ा है, जिसको सजा किया उसको छुट्टी नहीं मिल रही है। जितने भी छोटे दुकानदार है सब टैक्स देना चाहते हैं, रिश्वत देना नहीं चाहते। बात यह, एक इनकम टैक्स का एफपीआर का आदमी आता है मार्केट में, 5,000 रुपए दे दो इनकम टैक्स मत भरो। तो ये खुद चाहते हैं कि हम इनकम टैक्स ना भरे। अगर आप इनकम टैक्स जो भरना चाहते हैं, जितने भी सारे हमारे मरकजी कायदे हैं यकीन दानी करा दी, चाहे फिक्स टैक्स कर दो 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, 9,000, 9,000, 9,000। तो एक आसान था जो ना वो आप फार्म भराए उसका और धंधे बैंक में आकर रिश्वत देना नहीं चाहते हम, इनकम टैक्स देना चाहते हैं। 14 मीटिंग हो चुकी है, सबको लेनी पड़ते हैं, इस तरीके से काम चलेगा नहीं। हम इंशाल्लाह कल 29 और 30 को हड़ताल को कामयाब बनाएंगे। बात दरअसल है, कराची पाकिस्तान का हब है, आप सारा अल्लाह रसूल का रास्ते हैं, आपको कराची पे रहम करो, कराची के साथ सोशल मीडिया का सलूक ना करो। और मैं यकीन दिलाता हूँ कि पूरी कराची में इंशाल्लाह बंद होगा, बाद में अगर बैठने बंद हम अपने नया नल का ऐलान करेंगे। ये इतना झूठ होता है जिसकी कोई इंतहा नहीं है। बात दरअसल ये कम से कम आदमी को अपने हृदय का पास होना चाहिए, एक दफा हो, दो दफा हो, तीन दफा हो, 14 दफा मुलाकात होती की बार बार में ये टोपी लगाना देना। अस्सलाम वालेकुम। सईद भाई हैदरी मार्केट से लास्ट सईद भाई ले ले। सईद भाई एक एक आज सईद भाई बस करते हैं, बताना हैदरी से हैं या अस्सलाम वालेकुम। सईद हैदरी मार्केट प्रेसिडेंट, आप सबका शुक्रिया। ये जितने मेरे तायरीन साथी बैठे हैं, इनकी जो भी बातें हैं, इन्होंने जो भी लायमल कहा है और आगे जो करना चाह रहे हैं, मैं उसकी भरपूर हिमायत करता हूँ। और इंशाल्लाह 29 और 30 पूरा कराची पूरा पाकिस्तान बंद होगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। सवाल जी, जनाब ये बता दीजिएगा, जनाब आपने कहा पूरे कराची के ताजिर इकट्ठे हैं और पूरा कराची शटर डाउन होगा। जी जी, ऑल कराची ताजिर इत्तेहाद के चेयरमैन अतीक भी नजर नहीं आ रहे। जी अच्छा, दूसरी जो हमारी बड़ी मार्केट्स और दीगर मार्केट्स हैं, जिसमें लाइट हाउस भी है, उसमें स्टील मार्केट भी है, टम्बर मार्केट भी है, और भी बहुत सारी मार्केट्स हैं, उनके भी कोई रिप्रेजेंटेटिव बहुत सारे लोग नजर नहीं आ रहे। तो ये क्या पूरा कराची शटर डाउन होगा? दूसरी बात, पहले भी जुलाई में हड़ताल हुई, हड़तालें किसी भी पूरा जो है कामयाब नहीं हो सकती और सहात होते हैं इसके, तो इस हड़ताल से आप क्या फ़ायदा उठाएंगे जब आप कह रहे हैं पहली हड़ताल का कोई रिजल्ट नहीं आया? मैं आपको बता दूं, सब शामिल है उसमें, अति मीर साहब से भी मेरी बात हुई है और भी जो मार्केट है उनसे भी मेरी बात हुई, वो भी अपना अलायमल बना के इंशाल्लाह अभी आपको बताएंगे। और उन्होंने बाकायदा व्हाट्सअप भी किए, आपको पता चलेगा व्हाट्सअप बाकायदा तस्वीरें भी हैं सबकी, हम देख रहे होंगे। असल में वजह बताऊँ, ये जो है ना, ये हड़ताल ये हमारा मकसद नहीं था, हमारा मकसद
हमारे दुकानदारों को मसाइल हल करना था। दुकानदार अगर कोई हड़ताल नहीं करता ना तो वहाँ के दुकानदार उन लीडरों का मुआवजा करेंगे, ये आप देख लेगा। ये क्योंकि कारोबार दुकानदारों का नहीं है, अगर ये हड़ताल अगर कोई नहीं करता लीडर तो उसका मुआवजा वहाँ के दुकानदार करेंगे। जिन्होंने नहीं की हड़ताल उन्होंने देख लिया अपना। हम हड़ताल करना, हमें कोई शौक नहीं हड़ताल करना। जब कारोबार ख़त्म हो गया जब हम हड़ताल पर जा रहे हैं। हमने दो दिन की हड़ताल भी, अगर हमारे कल मुतालबात आ जाते हैं, नोटिफिकेशन निकल आता है, हम हड़ताल वापस ले लेंगे। हमारी मुँह जबानी कोई बात नहीं मानेंगे। अब हमें जो है रिटर्न चाहिए सारी चीज़ें रिटर्न में, क्योंकि जब से वो बातें डिले कर रहे हैं, वो हमारी बात मानते हैं लेकिन कोई नोटिफिकेशन नहीं निकालते। वो नोटिफिकेशन निकाल देंगे कल तो हम एक दूसरे दिन वापस ले लेंगे। लेकिन हमें जो है सारे जितने भी कराची के, पूरे पाकिस्तान के ताजर इसमें शामिल है। ये हमारा मसला नहीं है, इसका ये मोबाइल का मसला नहीं है, ये तमाम ताजरों का मसला है। ये तमाम ताजरों का इलेक्शन आफ्ती कार्ड का मसला, सेल्स टैक्स का मसला, इनकम टैक्स का मसला, फिक्स टैक्स मसला, ये तमाम ताजरों का है। तो जी जनाब, आपके ताजरों की तादाद कितनी है, कितनी दुकानें हैं जो कल बंद होंगी? जी शहर की मैं बात कर रहा हूँ। और ये बताइएगा कि कितने ताजर जो हैं वो सेल्स टैक्स में इनकम टैक्स पे रजिस्टर हैं? मैं आपको बताऊं, हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स के तकरीबन 60% लोग रजिस्टर्ड हैं। मेरे तकरीबन आप समझ लें कोई हमारे दुकानदार कोई 8 से 10 हज़ार दुकानदार हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के, बताऊँ मैं आपको, वो तकरीबन 60% लोग इनकम टैक्स में रजिस्टर्ड है। आपके साथ जितने लोग बैठे हैं जी, आप ये बताइए कि इसमें से कितने दुकानों को ये रिप्रेजेंट करते हैं, कितनी दुकानें हैं? ये मार्केट है, आप अलग अलग सब मार्केटों के इत्याद हैं, ये तो यही लोग बता सकते हैं। मैं अपना इलेक्ट्रॉनिक्स का बता सकता हूँ, ये मौजूद है, आप इनसे पता कर सकते हैं कहाँ कौन कौन सी मार्केट है। मैं तकरीबन आप समझ लें बातचीत पर देखें, इस वक्त जो यहाँ नुमाइंदे बैठे हुए हैं तकरीबन 600 मार्केटों के नुमाइंदे यहाँ मौजूद हैं, और ये हजारों की तादाद में दुकानें हैं जिनके साथ जो नुमाइंदे यहाँ शिरकत कर रहे हैं। लाइट हाउस वाले भी मौजूद हैं यहाँ पर, गोल्डन मार्केट वाले भी मौजूद हैं यहाँ पर, जुबली वाले भी मौजूद हैं यहाँ पर, मुख्तलिफ पूरे ओल्ड सिटी एरिया से मौजूद हैं यहाँ पर, पूरी कराची के लोग मौजूद हैं। फर्क यह है आप लोगों के सामने हम अलग अलग नाम नहीं ले रहे हैं, इसलिए कि हमारे सबके इत्तेहाद बने हुए हैं, अलग अलग इत्तेहाद हैं, जो सब इत्तेहाद के नुमाइंदगान यहाँ आपके सामने मौजूद हैं। तकरीबन ये समझ लें कि कराची भर की ताजिर बिरादरी इस वक्त एक पेज पे है, और इंशाल्लाह भरपूर आपको किसी इलाके में भी, गुलशन इकबाल के लोग भी देखें यहाँ बैठे हुए हैं, मुझे नजर आ रहे हैं। इनकम टैक्स में देखें, जो आपको पता है कि कराची के से तकरीबन 2 लाख से ज्यादा लोग जो है वो रजिस्टर्ड हैं इनकम टैक्स के अंदर, 2 लाख से ज्यादा लोग कराची से सिर्फ रजिस्टर्ड हैं, वो शॉपकीपर्स की बात कर रहा हूँ मैं। इसके अलावा नहीं, 2 लाख शॉपकीपर्स हैं जो रजिस्टर्ड हैं। इसके अलावा फैक्ट्रीज और स्मॉल इंडस्ट्री वाले वो अलग हैं, सिर्फ ट्रेडर जो है वो 2 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड है। इंपोर्टर और एक्सपोर्टर के अलावा नहीं, जो स्मॉल इंडस्ट्री वो भी वो अलग है। अच्छा, आपसे कोई हुकूमती अहदेदार ने कोई रब्ता किया कि हड़ताल ना करे, पकड़ दकड़ की कोई इत्तला दी गई, पकड़ दकड़ शुरू हो सकती है? पकड़ दकड़ का मसला नहीं है, अगर पकड़ दकड़ नहीं हम